हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रदीप सौ लीगल हेल्प मुंबई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप हेलमेट पहनकर बाइक या स्कूटर चलाते हैं फिर भी आपका चालान कट सकता है। जी हां फ्रेंड्स, आप सही सुने, हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपका चालान कट सकता है। तो देखते रहिए इस वीडियो में क्यों कट सकता है और कैसे बचा जाए चालान कटने से। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 1 जून 2021 से एक नया कानून पास किया है और उस कानून में ये कहा गया है कि अगर आप जो हेलमेट यूज़ करते हो उस हेलमेट के ऊपर अगर ISI मार्क नहीं है तो आपको विदाउट हेलमेट का फाइन भरना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप अगर हेलमेट खरीदते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके हेलमेट के ऊपर ISI मार्क है या नहीं। अगर हेलमेट पर ISI मार्क नहीं है तो आप उस हेलमेट को परचेस ना करें। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर विदाउट ISI मार्क का हेलमेट मार्केट में सेल करता है तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो जुर्माने की रकम है वो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप अगर हेलमेट परचेस करें और बाइक राइड करें या स्कूटर चलाते वक्त आप हेलमेट जो यूज़ कर रहे हैं उस हेलमेट पर ISI मार्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई